इस देश की जो मीडिया है वो अमूमन गांव में नहीं जाती है, शहरों में जाती है। जैसे यूपी में चुनाव है तो इलाहाबाद, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट टाउन। बनारस के बगल में हूँ मैं एकदम सेंटर में हूँ। यहाँ से 80 किलोमीटर इधर इलाहाबाद है और 80 किलोमीटर उस तरफ बनारस है। मैं भदोही में हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस देश के हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। टॉयलेट इस सरकारी टॉयलेट बना है? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट है। अच्छा, तो ये गांव में कोई है जिसको टॉयलेट बना हुआ है? सरकारी टॉयलेट मिला है आप लोग को? नहीं, देखो उनका उनका नाम बुला गया है मगर आया नहीं है। अच्छा, हाँ। गैस कितने लोगों को मिला है? अभी नहीं मिला है। गैस तो मुस्लिम समाज के लोगों का घर है ये, और गांव से मैं वाकिफ हूँ। ऐसा नहीं, मैं तो लंदन में पैदा हुआ नहीं हूँ, गांव में ही पैदा हुआ हूँ। गांव अमूमन SC ST OBC माइनॉरिटी का जो गांव होता है वो इसी तरह का होता है। और बिजली के खंभे लग गए हैं, दो तार लगे हुए हैं। बिजली कब से नहीं है? बिजली आई है लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है सर। कनेक्शन हुआ है लेकिन बिल आ रहा है, जोड़ा भी नहीं। अरे बत्ती जल रहा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं, लेकिन बिल आ रहा है सर। तो गांव में बिजली अभी नहीं पहुंची और मैं क्वेटो बनारस से 80 किलोमीटर के दूर हूँ। और रुके रुके ना भाई, रुके। ये यहाँ से कौन कैंडिडेट है? वो जो बीजेपी है, बीजेपी के कैंडिडेट बताइए ना। रमेश चंद बिंद। अच्छा, और गठबंधन के? गठबंधन के रंगनाथ मिश्रा है। तो मोदी जी के यहाँ प्रधानमंत्री आपके बगल से बनारस से कोई फायदा हुआ कि नहीं? गैस सिलेंडर भी नहीं मिला आप लोग? नहीं, गैस सिलेंडर मिला हुआ है। तो मिला उसके लिए कोई पैसा भी देना पड़ा था? पैसा तो नहीं देना पड़ा था, पर उससे ज्यादा तो देना ही पड़ रहा है। मतलब अभी जैसे बोले थे, सब लोगों को गैस सिलेंडर मिला है कि नहीं? सबको नहीं मिला। आप तो कह रहे हैं कि मिल गया है। नहीं, हमें मिला है। जिसको नहीं मिला है वो बोले ना। अच्छा, जिसको नहीं मिला है वो बोले ना। हमें तो जो मिला है, आप लोगों को मिला है कि नहीं? गैस नहीं, गैस नहीं मिला है। बिजली आती है कि नहीं? बल्ब बिजली लगा हुआ है? बिजली लगा हुआ है लेकिन सरकारी बिजली नहीं। टॉयलेट मिला कि नहीं? पैखाना घर नहीं, नहीं। आप लोग को सिलेंडर भी नहीं मिला है? हमारा नाम बुलाया गया, हमारा मिला नहीं। तो देखिए, मुस्लिम समाज को तो नहीं दिया गया, उनको पता है वो वोट ही नहीं देंगे हमें, एक परसेप्शन बन गया है। और इसी तरह से आपको गांव की हालत मिलेगी और पूरे देश में लगभग यही हालत है। सरकार आती जाती रहती है, गांव की हालत यही रहती है। और क्या करते हैं आप दोस्त? क्या करते हैं? अरे भैया यहाँ सिलाई उलाई करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अफसर अली है। सिलाई काम का काम करते हैं, अपना जो बन जाता है रोजी। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 8वीं तक सरकार पढ़े हैं। तो आपको सिलेंडर मिला कि नहीं? नहीं, हमको नहीं मिला। हम कितने लोगों को सिलेंडर मिला है? मेरे घर साहब मिला था सिलेंडर। हाँ, तो पैसा भी लगा था सिलेंडर मिलने का? एक दो घर को मिला होगा, दो चार घर सब जमा भरा था और हर जहाँ पैसा भरा था। देखिए, ग्रामीण इलाकों में देश की दुर्दशा है। यहाँ आवास नहीं मिला, हमारे राशन मिला रहा, हमारा आदमी खत्म हो गया, दो बेटिया बिटवा भी है, हमारे राशन भी बंद हो गया बाबा, बाथरूम सब के मिला, हमें कुछ ना मिला। गांव भर से गरीब रहे साहब, हम इतना लोग खड़ा रहे पूछ ले, लेकिन हमारी आवाज कभी के ऊपर ध्यान नहीं दिए, झुके सबके ओरी गोड़े सबके गिरे, लेकिन के ऊपर ध्यान हमारी बदे नहीं। देखिए, गांव पंचायत में जो है ना वो प्रधान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रधान जिसको चाहे उसकी सेटिंग एटिंग होती है और मिलता है। 5-6 साल से साहब घर गिर गया, वो बने नहीं पाए। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं साहब। बच्चे सब क्या करते हैं? हमारे बच्चे सियाई करते हैं, लेकिन बहुत दिन से हम गरीबी में झेला चली आए, अब तक संभर नहीं पाए साहब। जब हमारे पास 4-5 लड़की 3 लड़कियाँ रहे, लड़की सब जेठ रही, लड़कियाँ एक की पहले कर रहे, वही सबको शादी ब्याह कर चलाएंगे, भाई गरीबी में झेले। सिलेंडर नहीं मिला आप लोग को? सबको नहीं मिला, किसी को मिला होगा। किसी को मिला है? कितने लोग को मिला होगा? अभी तो काउंटिंग करने मालूम पड़ेगा। एक अंदाजा? आप तो पुराना सरपंच है यहाँ के, क्या कितने लोग को मिला होगा? यहाँ ज्यादा ज्यादा लगभग हमारे ख्याल से 100 में 20% लोगों को मिला। अच्छा, मुस्लिम समाज को तो नहीं मिल रहा हो तो समझ में आ रहा है। दलित की क्या स्थिति है? दलितों को वही हाल सबके है सर, वही हाल सबके है। और सबसे खास करके यहाँ रास्ता के जब सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, और कब्रिस्तान का भी यहाँ समस्या है। ये बहुत पुरानी बस्ती है। अरे स्कूल की समस्या है कि नहीं, बताइए? स्कूल है ना, स्कूल की समस्या है, सामने है स्कूल की बात नहीं है, मगर कब्रिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, बिजली का तार कब से टंगा है? अभी ये करीब
छह महीना हो गया। 2018 में सितंबर में ये लगा था खंबा, एक महीना करीब हो गया होगा वायर खींचे, करीब करीब एक दो महीना। और ट्रांसफार्मर आप जाके 20-25 दिन हुआ लगा, वो भी लगाने के बाद भी कनेक्शन नहीं आया, लाइट नहीं पहुँच रही है। हाँ, तो बिजली ऐसे हजारों गांव होंगे मिलेंगे आपको, जहाँ 6 लाख गांव है भारत में, हजारों गांव ऐसे मिलेंगे जहाँ बिजली के पोल नहीं है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि सरकार की दो गलती है ये है, लेकिन ये है कि ये सरकार दावा कर रही थी कि हमने इस देश के तमाम गांव का विद्युतीकरण जो है वो कर दिया है, लेकिन अभी अभी बहुत देर की चीज़ है। और ग्रामीण इलाकों में बहुत समस्याएँ हैं, पानी की समस्या है, सड़कें नहीं हैं और तमाम। अच्छा, हेल्थ सेंटर है कि नहीं, मतलब डॉक्टर वॉक्टर नर्स कंपाउंडर ये सब आती है कि नहीं? नहीं, बना हुआ है मगर वहाँ अभी चालू नहीं, चालू नहीं है, चालू नहीं हुआ है, वहाँ पर बना हुआ है। बहन जी के गवर्नमेंट में आया था लेकिन सब कमीशन खा गए सर, वो ठंडर जैसा पड़ा हुआ है। तो कभी मौका मिले टेलीविजन वाले को, अखबार वाले को, तो इन गाँव में आना चाहिए। अभी भी भारत की जो हालत है वो आपको गाँव में पता चलेगी, और इस तरह के तमाम मोहल्लों में लोग रहते हैं, तमाम बस्तियों में रहते हैं, अपनी कमाई से लोग घर वर बना लेते हैं। और जहां भी आप जाएंगे दलितों के मोहल्ले में और मीडिया अखबार में सब चीज़ नहीं मिलेगा। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, कम संसाधन है। मैं अभी इलाहाबाद से करीब 100 किलोमीटर चल के दूर गाँव की तरफ आया हूँ, और गाँव देश भर में लगभग इसी तरह के आपको हालात मिलेंगे। ऐसे ही लोग हैं, और मुस्लिम हैं आप, दलित हैं तो और थोड़ी बुरी स्थिति रहेगी। पक्की सड़क नहीं मिलेगी आप लोगों को गांव में, और ये मस्जिद है छोटी सी। हैं, गैस सिलेंडर मिला कि नहीं आपको? बोलिए, कुछ नहीं मिला बा, हम लोग के गरीब है, कुछ नहीं मिला बा। हमारा आदमी थका लगा बा, सो वहाँ खटिया पर, का मिला बा, कुछ नहीं मिला गरीब आदमी के। गैस सिलेंडर मिला कि नहीं? नहीं मिला बा। टॉयलेट बना कि नहीं? नहीं बना बा। जब निकले हैं तो सब कुछ देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये तो बना हुआ है घर, ये एक बना है, है? गैस मिला है कि नहीं? गैस मिला, लेकिन घर नहीं, बस सबसे गरीब है। हाँ, तो अभी हम लोग इधर से ही तो आए हैं। तो दिल्ली में दो ही बातें होती है कि गैस सिलेंडर जो है मिला कि नहीं, गैस सिलेंडर भाई? अच्छा, इन्हीं की माँ है। तो गैस सिलेंडर मिल गया है गांव-गांव में, और उसके बाद टॉयलेट बन गया है। और तो मैं सोचा था कि गांव में जाके पता किया जाए, कहा इधर जा रहे हैं उनके। हाँ, तो ये अभी भी खपरेल घर है लोगों का, है? ये सब लोग कौन लोग हैं? कुम्हार लोग हैं, जो खपरा बनाते हैं, है? उनका घर भी खपरेल का है। तो इन लोगों को गैस वैस मिला है कि नहीं? ये लोग तो हिंदू ही हैं। तो देखिए, ये अभी भी हैं गांव की ये स्थिति है, और ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सिर्फ सर, गैस मिला कि नहीं भैया, गैस सिलेंडर? अभी नहीं मिला। लेट्रिन बनवाई कि नहीं सरकार ने? नहीं मिला। अच्छा, इधर 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 कहीं नहीं बना। तो हम लोग एकदम बनारस के पास है, भदोही जिला है ये, और भदोही लोकसभा क्षेत्र में बता रहा हूँ। तो ग्रामीण भारत को अगर आपको देखना है तो गाँव में होगा। आप टेलीविज़न देखते हैं, अखबार देखते हैं, वहाँ दरअसल लोग आते नहीं हैं, जो अखबार वाले हैं टेलीविज़न वाले हैं वो नहीं आते हैं, वो आना भी नहीं चाहिए उनको, गांव क्या दिखाएंगे। गांव की यही हालत है, देखिए खपरेल घर में भी अभी तक लोग रह रहे हैं। और पानी वानी के लिए अभी भी कुएं से पानी पीते हैं लोग, हैं? हाँ, क्या नाम है? हाँ, दशरथ दास। दास जी, क्या गैस उस सिलेंडर मिला कि नहीं? नहीं भाई, गैस सिलेंडर घर उड़ नहीं बनाया सरकार ने? कुछ नहीं, यहाँ प्रधान ऐसा नहीं कि यहाँ आवास मिलबे नहीं किया, वही जेके आवास दिए हैं। टॉयलेट बना कि नहीं कम से कम? कुछ नहीं यहाँ। अरे है, क्या बात कर रहे हो, दिल्ली में तो चर्चा की, यूपी में हर घर में गैस सिलेंडर मिल गया है। नहीं तो वही बहुत। आप लोग खाना कैसे बनाते हैं? इतना प्रधान बढ़िया है ना, करे बप्पा कहा जी। कहा चूल्हा, आप चूल्हा दिखाइए, खाना जहाँ बनाते हैं कहा दिखाइए जरा। ये देखिए, तो ये तो बहुत, देखिए ये, अच्छा सही में सिलेंडर नहीं है हो? अच्छा देखिए, ये चूल्हे पर खाना बनाते हैं, हिंदू भी है ये, जो बीजेपी को सूट करता है। हनुमान जी का मंदिर भी है, और ठीक है ठीक है। यहाँ ना,
अच्छा पैखाना भी नहीं दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं पैखाना, ये टट्टी पैखाना ना मिला कि यहाँ कम से कम टट्टी बिना, अरे बाहर भीतर टट्टी ना मिला बा, हमारे तो बहुत दूरिया बा, यहाँ पैखाना ना मिला बा, यहाँ बताओ पैखाना नहीं, गैस नहीं मिला ना, यही कर रहे हैं। देखिए तो ये गैस सिलेंडर नहीं मिला है, खाली ये गांव में नहीं मिला है क्या? अद्भुत है, मिला है बिना चुना जो अच्छा, ये स्थिति क्या जाए, ठीक है सब जगह यही हालत है। सर यही हालत है, मतलब हर गांव, आप तो गांव, आप कितने लोगों को मिला होगा, एकदम ईमानदारी से बताइए, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, नहीं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 20% लोगों को मिला है, नहीं तो यही हालत है। बाबू साहब, अच्छा सवर लोगों को मिल गया है कि नहीं? बाबू साहब लोगों को सबको मिल गया है, और यहाँ तक हमारे यहाँ लैट्रिन रूम भी नहीं बन पाया है कुछ नहीं, तो और ऊंची जाति वाले लोगों को मिल गया है, सबको मिल गया है सर, सबको मिल गया है, यहाँ तक उन लोगों को पैसा जैसे दे दिया गया, चेक से दे दिया गया लेटरिंग रूम बनाने के लिए, और हमारे लोगों को जैसे छोटी एससी और बैकवर्ड को, माइनॉरिटी लोगों को, इन लोग का पैसा चेक पे साइन करा लिया गया, इसके बाद ले लिया गया चेक, चेक ले लिया गया और पुनः उसको भजा लिया गया। भैया सिलेंडर मिला कि नहीं आपको, गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर मिला। कितना मिला था? 1000। तो पैसा कितना लिया था? पैसा नहीं लिया, तो खाना बना रहे हैं उस पर, भर रहे हैं गैस, दो बार तीन बार दिखाई दे रहा, तो खाना कैसे बन रहा है आपका? मोदी जी तो कह रहे हैं सब घर में सिलेंडर पहुंचवा दिए दिल्ली में, है तो खाना सिलेंडर पर बन रहा है या गैस पर, चूल्हा पर बन रहा है? बोलो रहा, बोलो, सिलेंडर बन रहा है, दिखाइए जरा, दिखाएंगे कितना में गैस भराते हैं, ये आपका घर नहीं है? अच्छा अच्छा, ये किनका घर है? अच्छा अच्छा, तो सिलेंडर मिल गया, कितना में गैस भराते हैं अब दोबारा, कई बार भरवाए हैं गैस? गैस दो बार भरवाए थे उसको फ्री वाले में, और बाकी हमारा एक अगला कनेक्शन था दूसरे के नाम से, उससे चल रहा है। कितना में आता है यहाँ गैस? 783 रुपए कुछ है। कितने लोग गैस पर खाना बनाते हैं गाँव में? चलिए कुछ लोग हैं जिनको गैस सिलेंडर मिला है, और वो बीजेपी को उसके वजह से बहुत भरोसा है कि वोट मिलेगा, तो क्या जो थोड़ा चालू पुर्जा लोग थे उनको सिलेंडर मिल गया है, जो आम लोग हैं उनको नहीं मिला है? बहुत जने फार्म, हम ही फार्म भरे तक करने महीना में होता है बाबत, तो उसके लिए कोई अलग से पैसा उसा भी डिमांड करता था कि कुछ दीजिए, दलाली के बगैर थोड़ी ना कुछ देगा, तो देंगे हम कुछ ले रहा है माल, तो मैंने सुना है 1500 रुपए पहले लेता है सिलेंडर, तब देता है दो या एक? नहीं, कुछ लोगों से लिया गया था सर, जैसे कुछ लोगों से लिया गया था, तो बीच में आ जाते हैं वही दलाल लोग जैसे आ जाते हैं, तो कुछ लेता है ना, दलाल लोग जैसे ले लेते हैं, बिना दलाली के कहाँ कोई काम होता है भाई, बीच में कोई आ गया तो वही, और राशन कार्ड इतना पैसा दे, बाथरूम रहे इतना पैसा दे, तब कितना पैसा मांगे आपसे बाथरूम के लिए? बाथरूम बताइए, कोई बात नहीं बताइए, कहाँ ऐसी गैस वाला फॉर्म भरे थे? इतना दहिया भरा गवा जो आधार कार्ड लगावा, ई लगा ऊ लगावा, उबई नहीं की है, आधार कार्ड दुद्दू दहिया जमा भवा, लेकिन आई नहीं, चूल्हा कैसे मिले? नहीं नहीं, तो गैस मिला कि नहीं? गैस मिला, कितना पैसा मिला? अच्छा आप उन्हीं के, आप ही के घर के? अच्छा एक सिलेंडर मिला है? हाँ, एक। आपको नहीं मिला है? नहीं। आपको नहीं मिला नहीं। है? नहीं, कहा था जब नाने, अरे करते नाने तो आधार कार्ड कहाँ से मिलेगी? राशन तो मिल, राशन था ये नहीं ना, हम तो बर्बाद है, एक यारी ना खेत ना यारी बा, तो वोट दिए थे कमल छाप को पिछली बार, अब देखा देवागा जब वही पर दे जाबा और का मनमानी थोड़ा चली की बात में होता बा कि पैखाना के लिए नहीं बा, जवान बाहर भीतर देखत पे मरे तो नहीं बा, पैखाना के नहीं है, पैखाना यहां देख लीजिए कहीं घूम के देख, गवर्नमेंट को पैखाना है, तो भारत की यही हकीकत है भैया, और मुझे लगता है टेलीविजन अखबार वाले को गांव में आना चाहिए, बहुत जरूरी है, खाली मैं बीजेपी का हूँ, मैं फलां का हूँ, ढमकाना का हूँ, लोग करते रहते हैं, बेसिक जो दिखते हैं वो अभी लोगों की वही समस्याएं बनी हुई है, और अभी भी लोग खपरैल घर में हैं, पढ़ाई नहीं, ठीक है अब जा रहे हैं।
नहीं नहीं अब नहीं नहीं जाएंगे भैया, सब जगह वही जगह है। तो देखिए चाची बहुत गुस्से में है। आप क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? किस क्लास में? 12वीं में। कहाँ पर? कितना दूर है यहाँ से स्कूल? देखिए ग्रामीण गांव में अभी लड़कियां सब टॉप कर रही है सारे एग्जाम में, लेकिन गांव में अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जरूरी है, बढ़ना है। यहाँ मीडिया के लोग कभी आए ही नहीं, किसी कभी कोई सामने बात ही नहीं किया, इसलिए शर्म करते हैं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। कभी कोई इधर मतलब आया नहीं। बताइए लोग को, शहर में लड़कियां बहुत टॉप कर रही है पढ़ाई लिखाई सब। सर धन्यवाद आपका है जो आप इधर मतलब रुक के आए। गंगा जल कहाँ से मंगवाए हैं? बनारस से? नहीं हम लोग कांवर भरते हैं ना गंगा भ्रमण का, इसीलिए त्यागराज से खाते हैं। देखिए ये भगवान जो धर्म नेता जो मंदिर मंदिर जाता है ना, उसका बड़ा मतलब है। उसको पता है कि देश में खाना हो ना हो पूजा पाठ लोग जरूर करता है, तो इसलिए उसकी उसको पता है कि वोट कैसे मिलेगा। उसको गैस से मतलब नहीं है, उसको बिजली से मतलब नहीं है, उसको इतना जरूर पता है इस देश के नेताओं को, चाहे वो मुसलमान नेता हो चाहे वो हिंदू नेता हो, कि जो जो इस देश के लोग हैं वो बड़े धार्मिक हैं, शरीफ हैं, सीधे हैं। सर उसी का फायदा लेते हैं नेता लोग। तो सबसे पहले मंदिर मस्जिद जाएगा ताकि उसको वोट मिले। और ये स्थिति है, ये गांव से दिखा रहा था। बहुत संभव नहीं है यूपी के गांव गांव में घूमना, क्योंकि लोग से आप बात नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को, मुस्लिम लोगों को तो नहीं है मिला है। यहाँ क्या है? ठीक है देख लिए, अब सब जगह वही हाल है। क्या नहीं मिला? राशन कार्ड नहीं मिला। आप लोग के पास नहीं है? केहू के पास कुछ नहीं मिलता है? गैस सिलेंडर नहीं है मेरे पास? आपके पास? तो ये कुछ लोगों को, इक्का दुक्का लोगों को मिला है, बाकी है वो भी थोड़ा कमीशन उमिशन दे के, पैसा वैसा दे के। तो सर भारत में जो है वो पैसा कमाने का बड़ा तरीका शातिर है। और ये देखिए कि अब मैं भदोही के गांव में हूँ और एकदम मिडिल है बासुरानस से, और मन नहीं है ये सब बात बोलना नहीं चाहता हूँ। गैस मिला कि नहीं आपको? गैस सिलेंडर मिला है? तो देखिए इनका तो ठीक ठाक घर भी है तो इनको गैस सिलेंडर मिला है। बाकी लोग जो हैं जो थोड़ा हैं समझदार उनको मिला है, नहीं तो ये गाँव की लगभग वही लबोलुआ वही हालत है। तो अब ठीक है, मैं बहुत दूर से भी हूँ, मुझे लौटना भी है वापस। तो मैक्सिमम लोगों के पास शिकायतें हैं, इस गांव में बिजली नहीं आ रही है, अभी बिजली बल्ब नहीं जल रहा है ना, अभी तक नहीं जला है। तो गैस सिलेंडर की जो हालत है उज्ज्वला योजना की, वो ये है कि कुछ एक दो परसेंट लोगों को सिलेंडर मिला है, लेकिन वो भी पैसे दे के और दोबारा भरवा भी नहीं सकते, महंगा हो गया है। राशन कार्ड की शिकायतें हैं और गेहूँ चावल जो मिलता था वो सब नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो टेलीविज़न अखबार वाले लोग हैं उनको सरकार जो दावे करती है उसकी पड़ताल के लिए ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए। शहर में जो लोग भी उनके कैमरे के सामने आते हैं बोलते हैं वो दरअसल किसी न किसी पार्टी के समर्थक होते हैं। ये गांव वाले हैं, मैंने इनसे नहीं पूछा आप किसके समर्थक हैं, किसको वोट देंगे नहीं पता। उतनी समझदारी भी अभी इनके पास नहीं है। अगर उतनी समझदारी आ जाती तो ये अपने बच्चों के लिए स्कूल, पीने के लिए पानी, ये सब खोजते। मुझे नहीं पता वो समझदारी कब आएगी, क्योंकि इस देश में जानबूझकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को स्कूल जाने से, पढ़ाई लिखाई से अलग कर दिया गया है। तो वो समझदारी भी नहीं है, वो योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पा रही हैं। तो भारत के ग्रामीणों में यही हालत है, और ख़ासकर अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो आप इसी तरह से गरीबी के गर्त में हैं और दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं, और सरकारी सुविधाओं का भी उनको लाभ नहीं मिलता। कम से कम आप लोग बच्चा को उसको, हाँ पेंशन भी नहीं मिल रहा है आप लोग को? चलिए ठीक है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, भदोही, UP। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।